15 सितंबर जो लगभग बाढ़ आप सभी यहाँ के लोग हैं जानते हैं कि 15 सितंबर के बाद खत्म हो जाता है लगभग। दूसरा है कि जो भी जिले हैं, जो भी पंचायत ऐसे हैं, उन पंचायतों को हम लोग वॉच लेटर हाफ कर रहे हैं, मतलब गोलागत अनिज समाचार बटुए रोहतास से खबर के हेडलाइन बटुए पंचायत चुनाव के भइल घोषणा, रोहतास के कौन प्रखंड में कब चुनाव होई, सब कुछ भोजपुरिया समाचार बताबे जा रहल बा रिपोर्टर बानी बिहार ब्यूरो पी के मिश्रा जी। तो यह वक्त एगो बड़ खबर आ रहल बा बिहार पंचायत चुनाव से जुड़ल, बिहार में पंचायत चुनाव के लेके अधिसूचना जारी कर दिहल बा राज्य निर्वाचन आयोग के ओर से, फेज वाइज डिटेल बता दिहल गेल बा कि कब कौना दिन कौना जिला में वोटिंग होई। लेकिन अभी भोजपुरिया समाचार रोहतास के हर प्रखंड के बारे में बताई कि कैसे कैसे चुनाव होई। तो ये जिला में 10 फेज में वोट डाल जी, पूरा डिटेल भोजपुरिया समाचार बतावता। मंगर के शाम में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अधिसूचना जारी कर दिया गई, एक साथ जहां राज्य भर में आचार संहिता लागू हो गई, कोनो भी नया योजना के आरंभ अब ना हुई, हालांकि पुरानी योजना जारी रही, चुनाव के खातिर मतदान 11 चरण में हुई। अधिसूचना जारी भैया के बाद अब प्रत्याशी बूथ से 6 अलग अलग पद खातिर नामांकन कर सके हन, नामांकन खातिर लोग के 7 दिन के समय मिली, आयोग नामांकन पत्र भरे जांच और नाम वापसी के समय निर्धारित कर दिले बा, मुखिया सरपंच वार्ड सदस्य पंच पंचायत समिति सदस्य आ जिला परिषद के प्रत्याशी 11 बजे दिन से शाम 4 बजे तक नामांकन कर सकेलन। पहला जौन जिला में बाढ़ नहीं खे वही मतदान करावल जाए, पहले जौन जिला में बाढ़ नहीं खे। तो खबर उरा के विस्तार पूर्वक भोजपुरिया समाचार बताई, बता दी कि कौना कौना चरण में कहाँ कहाँ मतदान हुई, सब कुछ भोजपुरिया समाचार उरा सबके बतावे जा रहा बार उरा जान ली। पहला चरण के मतदान 24 सितंबर, दूसरा चरण 29 सितंबर, तीसरा चरण 8 अक्टूबर, चौथा चरण 20 अक्टूबर, पाँचवा चरण 24 अक्टूबर, छठवा चरण 3 नवम्बर, सातवा चरण 15 नवम्बर, आठवा चरण 24 नवम्बर, नौवा चरण 29 नवंबर, 10वां चरण 8 दिसंबर, 11वां चरण 12 दिसंबर के होई। 2 दिन के अंदर एक रिजल्ट भी आ जाए। तो उधर रोहतास के बारे में जान ली, रोहतास के पहला चरण में दावत है संझौली में, पहला चरण में होई। दूसरका चरण जौन बतावल जा रहा बा ओकरा में रोहतास है नौहट्टा में दूसरा चरण में, तीसरा चरण काराकाट, चौथा चरण सासाराम तिलौथू, पाँचवा चरण विक्रमगंज अकोढ़ी गोला, छठवा चरण में नोखा नासरीगंज, सातवां चरण में शिवसागर बेनारी, आठवां चरण कोचस डिहरी, नौवां चरण दिनारा सूर्यपुरा, 10वां चरण करहगर राजपुर में ही पंचायती चुनाव होके जा रहा बटुए। भोजपुरिया समाचार सबसे तेज, सबसे पहले खबर के अधिक से अधिक शेयर करी। तो बता दी रोहतास के बारे में भोजपुरिया समाचार बता दिलस कि कौना चरण में कहाँ मतदान हुई, भोजपुरिया समाचार लगातार अपडेट करत रही। रउरा सबसे निहोरा बा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, सबसे बड़ा खूबी बटुए कि यह पंचायत चुनाव में पार्टी बेस पर चुनाव ना हुई, जौन पहले से कयास लगावल जात रहे कि पार्टी बेस पर चुनाव हुई, सीधा निर्वाचन आयोग राज्य निर्वाचन आयोग कहले बा कि केहू भी पार्टी बेस के नाम पे चुनाव लड़ी उनका पे कार्रवाई कल जाए। तो बड़ा खबर ही बटुए प्रेस वार्ता में बात निकल के आएल बा, साथे साथ पहला बार ईवीएम से पंचायत चुनाव होता है, एकरा खातिर प्रचार प्रसार भी होई, ऑडियो कैसेट के माध्यम से सब कुछ रोरा के भोजपुरिया समाचार दिखाई। रोरा सब भोजपुरिया समाचार के अधिक से अधिक शेयर करी, लाइक करी, सब्सक्राइब करी, आ चैनल के अभी तक सब्सक्राइब नहीं कैले तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, आ शेयर करी ताकि एक गो मुखिया जी लोग के यहाँ BDC वार्ड मेंबर वार्ड सदस्य सब कोई के यहाँ पहुँच जाए। तो भोजपुरिया समाचार दबा के शेयर करी, आ प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग के सुनी, सुनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके द्वारा भी हम उनसे संवाद स्थापित कर रहे हैं और उनके मैसेजेस आते हैं, हम उनका जवाब देते हैं। तो सॉरी आई वुड से दैट कि अगर आपकी पेशेंस नहीं है तो आप जा सकते हैं, हम तो बताने के लिए आए, हम तो सोचे आप सुनना चाहते हैं। ओके सो वी हैव गिवन यू द थिंग और मतदाता जागरूकता का हम लोग प्रोमो सॉन्ग से जागरूकता के लिए किए हैं, जिसको आज हम लोग रिलीज करेंगे, आपको सुनाएंगे, पहली बार आप सुनेंगे, हम लोग सुनेंगे, एक्सपेरिमेंटल तौर पर सुने हैं, उसके कॉलर ट्यून वगैरह बनेंगे। कोविड के लिए हम लोग स्पेशली कर रहे हैं, इस बार पहली बार माइक्रो ऑब्जर्वर भी हम लोग अपॉइंट कर रहे हैं और कैंडिडेट के इन्फॉर्मेशन के लिए भी हम लोगों ने पुस्तिका बनाई है, विच इज ऑल्सो फर्स्ट टाइम, उनको पता चलना चाहिए कि कैसे नॉमिनेशन के पहले उनको
पूरी अचानक ऐसा नहीं नहीं तो बूथ पे गए तो चार ईवीएम है, अचानक क्या करना है ना पता चले, तो उनके लिए भी हम लोग एक सब उनसे भी इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग एक बना रहे हैं। तो ये सारे हैं, आप सवाल लेने के बाद हम लोग प्रोमो सॉन्ग पे आएंगे, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव कवर्ड। देखिए मैंने तो आपको पहले बताया कि हम लोग वी आर होल्डिंग इलेक्शंस आफ्टर 15 सितंबर, जो लगभग बार आप सभी यहाँ के लोग हैं जानते हैं कि 15 सितंबर के बाद ख़त्म हो जाता है लगभग। दूसरा है कि जो भी जिले हैं, जो भी पंचायत ऐसे हैं, उन पंचायतों को हम लोग टुवर्ड्स लेटर हाफ कर रहे हैं, मतलब अगर 10 फेजेस में है आपका चुनाव दिसंबर 12 तक होना है तो वो उनका चुनाव नवंबर के बाद ही होगा, जिस समय कि बाढ़ का कोई ऐसी समस्या ना रहे, तो ये हम लोगों ने व्यवस्था। हाँ, वन बाय वन। और देखिए दूसरा ये है कि जो परामर्श समिति गठित की गई है क्या वो अभी से भंग हो गई? तीसरा ये है कि चुनावी खर्च कितना पड़ गया इसमें? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आदर्श आचार संहिता पूरे जिले में, जिससे कि वो उन जगहों पे चुनाव बाद में हो, फेजिंग ही उसी तरीके से उसमें माइंड एप्लीकेशन करके उस तरीके से किया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उसकी पूरी समीक्षा की गई है, पूरी समीक्षा करने के बाद ही वैसा निर्णय लिया गया है। आपका अच्छा, एक और इनका दो, एवरीबॉडी टू, नॉट मोर देन दैट। एक मिनट, आपका हो गया, बाद में आइए, एक मिनट। हाँ, मेरा सवाल ये है कि बिहार में निर्दलीय आधार पर हो रहा है, लेकिन दलों का इंटरवेंशन होने की पूरी संभावनाएं दिख रही है, जो कि मीडिया में खबरें भी आ रही है, उसको आप कैसे रोकेंगे? नहीं, तो वही तो मैं बता रहा हूँ, पंचायत चुनाव जो है आप सबको को पता है दलगत आधार पे नहीं है, इसीलिए किसी पर्टिकुलर दल से उस तरह से एसोसिएट होता है तो वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो, तो तद अनुसार कार्रवाई की जाएगी, केस टू केस। ओके, तो अभी तो जानकारी देने चाह रहे तो बैठने ही चाह रहे हैं। ओके, तो नाउ एक मिनट, ओके नाउ आई कम टू दैट वाज इन अ ह्यूमर वे, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सीधा पहला आपका सवाल था क्या, सॉरी, ओके, सीधा पंचायत चुनाव में जो होता है आप लोगों ने देखते आए हो कन्वेंशनली, हम लोगों के जो यहाँ के CPMF है, दैट इज द BMP, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हमारे जो फोर्सेज, जो स्टेट के फोर्सेज है, उन्हीं से चुनाव कराया जाता है। सेंट्रल फोर्सेज जो आपने बताया, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज जो बाहर के आप बोल रहे हैं,